नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। सीएससी संचालकों ने निकाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जागरूकता बाइक रैली। फसल बीमा करने के लिए किसानों में जागरूकता के लिए जिला उप कृषि निदेशक मुख्यालय से सीएससी संचालकों के द्वारा जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग फसलों में होने वाले नुकसान के लिए अपनी फसल का बीमा कराएं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों एवं नागरिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता बाइक रैली निकालकर इस योजना में और गति देने का काम किया। जागरूकता रैली का शुभारंभ उप जिला कृषि निदेशक एचएन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि जनपद हाथरस के सरकारी केंद्रों के अलावा जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध है। उप कृषि निदेशक कार्यालय से आरम्भ होकर यह बाइक रैली विकास खंड की काफी पंचायतों से होते हुए तालाब चौराहे पर समाप्त हुई एवं जनपद के आसपास के इलाकों में इस योजना के तहत होने वाले लाभ के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया गया। फसल बीमा के लिए कोई भी किसान सीएससी केंद्र से संपर्क कर अपना बीमा करवा सकते हैं। जिला प्रबंधक प्रदीप सिंह एवं प्रदीप कुमार ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा जारी इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जाना आरम्भ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जिला प्रतिनिधि लोकपाल सिंह और उनकी टीम के अलावा जनसेवा केंद्र संचालक जगजीत सिंह, असगर खान, प्रतीक, अनिल कुमार, योगेश कुमार, ईसु कश्यप, सुनील कुमार, अजय गुप्ता, धीरज सैनी, ओमवीर सिंह, ऋषभ प्रताप सिंह आदि अन्य संचालक उपस्थित रहे। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।